चार बाग बस स्टैंड अड्डे पर आपको बता दें कि खड़ी बस में एक खड़ी बस में आग लग गई है। दरअसल धू-धू कर ये जली है रोडवेज की बस, जहां बस स्टेशन पर फिलहाल आग से हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं आग लगने का कारण भी नहीं पता चल पाया है। थाना नाका के चारबाग बस अड्डे का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, चारबाग बस अड्डे से, जहां पर एक बस अचानक धू-धू करके जलने लग गई और ऐसे में फिलहाल ये बताया जा रहा है कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग लगी है। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस बस में आग लगी थी उसके बाद किसी और बस की चपेट जो है वो आग में नहीं आई है। फिलहाल दमकल विभाग के कर्मचारी मौजूद वहां पर और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक कोई नुकसान या जानमाल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है और इसके साथ ही आग के पीछे का कारण क्या है इसको लेकर भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो R9 TV आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर लखनऊ में आग का कहर यहां पर देखने को मिला है। बस अड्डे पर खड़ी एक बस जिसमें अचानक आग लग जाती है और गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान इसमें नहीं हुआ है। अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अभी तक वजह पता चल पाई है कि किन कारणों से आग लगी और क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर एक बस पे आग लग गई है। बस पे खड़ी थी और अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अचानक बस में आग लग गई थी जिसको लोगों ने तत्काल इसको दमकल के को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां जब तक पहुंची थी मौके पर तब तक बस काफी जल चुका था। फिर आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आग लगने का भी कारण नहीं पता चला है। मौके पर नाका थाने की पुलिस पहुंच गई थी और पूरे मामले की जांच चल रही है। आगे आग किस कारण से लगा है और शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी पूरी मामले की जांच कर रही है जी। लेकिन अरुण ये बताइए, बस अड्डे पर खड़ी थी और ऐसा ये भी नहीं कि इंजन गर्म है तो आग लग गई, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चूक हुई होगी और उसी के चलते आग लगी? देखिए, देर रात का ये मामला है, अचानक बस खड़ी हुई थी, बस खाली थी, इसको वहां पर अचानक बस में आग लग गई। लेकिन बस चारबाग बस स्टेशन लखनऊ का काफी भीड़भाड़ इलाका है, वहां पर जैसे आग लग गई अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी पैसेंजर जो है लोगों को अलग कर दिया वहां के जो प्रबंधक थे बस चारबाग स्टेशन के, लेकिन आग लगने का भी कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किसी शरारत तत्व का काम तो नहीं, क्योंकि बस खाली खड़ी थी, उस पर अचानक कहते आग लग गई, बस स्टार्ट भी नहीं थी। इसी सब कारणों का पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो भी कारण स्पष्ट आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरुण जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक हालांकि इस आग के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई इसको लेकर जारी है और आग पर भी काबू पा लिया गया है।